What is the output of given case? In that case again we are performing operations. सबसे पहले किसी प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में ऑलवेज आपको चेक करना चाहिए सिंटैक्टिकल एरर्स, मींस ए प्रोग्राम सिंटैक्टिकली वैलिड है, देयरफॉर नो एरर्स, देन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे. एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में क्रिएट करेंगे सम आउटपुट डिवाइस मॉनिटर फॉर डिस्प्लेइंग मैसेज, देन सम मेमोरी एलोकेशंस इन द फॉर्म ऑफ स्टैक. इसके अलावा रिक्वायर्ड क्या हुआ, सीक्वेंसेस इस वन सेकंड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या हो रहा है, मेमोरी एलोकेशन ऑफ आई, मेमोरी एलोकेशन ऑफ जे विद इनिशियल वैल्यू 0 0. प्रीवियस केसेस में एट ए टाइम ओनली सिंगल कंडीशन अप्लाई किए थे, लेकिन इस केस में टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कैसे हैं, कितने, 2. इसे एफ के रिस्पेक्ट में भी एक्सप्लेन किया था, जब भी कॉमा ऑपरेटर सेपरेटेड मल्टीपल एक्सप्रेशन और मल्टीपल कंडीशन अकर होते हैं उस केस में इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी. इस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, लेस देन का. फर्स्ट लेस देन के लिए फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, आई. सेकंड ऑपरेंड क्या है, 5. सेकंड लेस देन के लिए फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, जे. सेकंड ऑपरेंड क्या है, 3. अब कॉमा के लिए फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, आई लेस देन 5. सेकंड ऑपरेंड क्या है, जे लेस देन 5. 1 by 1 मीन से एक्सप्रेशन दोनों ही सॉल्व होंगे, लेकिन लूप का एग्जीक्यूशन किसके रिस्पेक्ट में, ऑलवेज रिस्पेक्ट टू लास्ट एक्सप्रेशन, चाहे वो इफ का केस हो, लूप का केस हो, स्विच का केस हो और सम एन अदर केस. किसी भी केस में हमेशा जब भी कॉमा सेपरेटेड एक्सप्रेशन फाउंड होंगे, एक्सप्रेशन सारे के सारे सॉल्व होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन एग्जीक्यूशन है बॉडी किसके लिए ट्रेड हो, ओनली फॉर द रिस्पेक्ट टू लास्ट एक्सप्रेशन. इस केस में देखा जाए फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो डजेंट अफेक्ट, मीन्स इट इज अ मीनिंगलेस, क्यों इससे कोई वेरिएबल्स का कोई वैल्यू भी चेंज नहीं हो रहा है, ट्रू हो या फॉल्स हो डजेंट अफेक्ट. फिर भी दोनों केस कंपेयर करना चाहो कर सकते हैं इस केस में. इस फाइनली जब ये लूप इटरेट होगा तो लूप केस में कंडीशन क्या है, आई लेस देन 5 कॉमा जे लेस देन 3. आई के प्लेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस कराएं, जे के प्लेस पर जे का वैल्यू, 0 less than 5 कॉमा 0 less than 3. दोनों ही कंडीशन ट्रू है, ट्रू मीन्स 1. तो फर्स्ट केस में इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1. सेकेंड केस में रिजल्ट क्या है, 1. कंडीशन आर ट्रू, मीन्स फर्स्ट कंडीशन ट्रू और फॉल्स हो डजेंट अफेक्ट, मीन्स सेकेंड कंडीशन आपको कॉन्सल्टेट करना, सेकेंड कंडीशन ट्रू है बॉडी एग्जीक्यूट हुआ बॉडी के अकॉर्डिंग, मीन्स सेकेंड, थर्ड सिक्वेंस, फोर्थ आई प्लस प्लस, नाउ आई बिकम्स 1, फिफ्थ जे प्लस प्लस, जे बिकम्स ऑल्सो 1. नेक्स्ट वन सिक्स्थ केस, अगेन कंडीशन टेस्टिंग, फिर से कंडीशन टेस्ट कराएंगे, आई के प्लेस पर क्या आएगा, आई का वैल्यू कितना फाउंड हो रहा है, 1, और जे का वैल्यू फाउंड हो रहा है ऑल्सो 1. दोनों ही कंडीशन अगेन ट्रू है, लेकिन एग्जीक्यूशन किसके रिस्पेक्ट में कराएं, लास्ट कंडीशन ट्रू है. देन सिक्स्थ के बाद नेक्स्ट सेवंथ केस क्या हुआ इस केस में, आई प्लस प्लस, आई बिकम्स 2. देन एट्थ केस जे प्लस प्लस, जे बिकम्स 2. देन नेक्स्ट वन एट का नाइन्थ केस, अगेन कंडीशन टेस्टिंग, फिर से कंडीशन टेस्ट कराएंगे, आई और जे के प्लेस पर आई जे के वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, आई का वैल्यू फाउंड हो रहा है 2 इन साइड मेमोरी, जे का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है ऑल्सो 2. दोनों ही कंडीशन अगेन ट्रू है. देन फिर से बॉडी एग्जीक्यूट कराएं, सिक्वेंस 10, 9 के बाद क्या है, 10th केस, आई प्लस प्लस, आई बिकम्स 3. 11 जे प्लस प्लस, जे बिकम्स ऑल्सो 3. अगेन कंडीशन टेस्ट करेंगे, कंडीशंस के रिस्पेक्ट में आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराना है, आई का वैल्यू, जे के प्लेस पर जे का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या अभी 3, जे का वैल्यू भी क्या ऑल्सो 3. 3 less than 5 कंडीशन इज ट्रू, 3 less than 3 कंडीशन इज फॉल्स, मीन्स फर्स्ट कंडीशन अभी भी ट्रू है, लेकिन सेकेंड कंडीशन कैसा है, फॉल्स, सेकेंड कंडीशन फॉल्स हो चुका है, इस दैट वन. देन इस केस में बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कंट्रोल सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, देन डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ आई एंड जे, दोनों का ही वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है, 3 3, इसलिए आउटपुट में क्या डिस्प्ले हुआ, 3 and 3. सिक्वेंस क्या है इसका, 11 के बाद कंडीशन टेस्ट कराया था 12, देन कंट्रोल जब बाहर आया देन 13, फाइनली क्लोजिंग का मार्क हो रहा है 14 सीक्वेंस आउट.